भगवान भोलेनाथ को पुकारा है कि हे महादेव आइए और सुग्रीव से हमारी रक्षा करें प्रभु। और भोलेनाथ भी परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। मैंने कल भी कहा था कि घन घन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में। घन घन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में। देवताओं ने जब भावपूर्ण स्तुति गाई, देवताओं ने जब भावपूर्ण स्तुति की, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम दुर्लोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दशश्च करणौ रसनम जलेशम। स्तुति सुन करके महादेव प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान भोलेनाथ ने उस संपूर्ण विष को अपने हाथों में लेकर के विषपान करना प्रारंभ किया। और जब विषपान करना प्रारंभ किया, अब बात आई कि इस विष को कहाँ रखा जाए। भोलेनाथ सोचते हैं यदि विष को मुख में रखूंगा, यदि विष को मुख में रखता हूं तो भोलेनाथ के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, ब्रह्मांड को कष्ट होगा। यदि विष को गले से नीचे ले जाता हूं हृदय में, तो हृदय में राम जी बैठे हैं, राम जी को कष्ट होगा। क्या किया जाए? ना मुख में रखा ना हृदय तक पहुंचाया, कंठ में ही विष को धारण करके कंठ में रोक लिया। और उस समय भोलेनाथ का कंठ पड़ गया नीला और भोलेनाथ हो गए नीलकंठ महादेव। भगवान नीलकंठ कहलाए हैं। कंठ में महादेव ने विष धारण किया है। जब भगवान शंकर ने विषपान किया तो जो सांप बिच्छू थे, कुछ जहरीले जीव जंतु, आज जो जहरीले हैं, उस समय इन्होंने भी भगवान की सहायता की थी। सर्पों ने पहुंच के भगवान विष पी रहे थे तो सर्पों ने भी पी लिया, बिच्छुओं ने भी विष पी लिया। तो भगवान ने जब देखा कि तुमने मेरी सहायता की है, छोटी की है या बड़ी, पर की है, तुम्हारा भाव बड़ा था, तो भगवान शंकर ने ये जो जहरीले जीव जंतु हैं इनको अपना गण बनाया है कि तुम मेरे गण के रूप में गिने जाओगे। सर्प को गले में धारण किया है, बिच्छुओं के कुंडल कानों में धारण किए हैं, क्योंकि इन सभी ने उस समय भगवान भोलेनाथ की सहायता की है विषपान करने में। भोलेनाथ ने विषपान किया, कंठ नीला पड़ गया, महादेव नीलकंठ कहलाए हैं। समुद्र मंथन करने पर दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता निकली, जिन्हें ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने लिया। चौथे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया गया कि स्वर्ग में जो रहेगा कल्प वृक्ष उसका, देवता रहे तो देवताओं का, राक्षस रहे तो राक्षसों का, स्वर्ग की संपदा है। पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं, इन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। छठवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि, जिसे नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। सातवें रत्न के रूप में माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं। और जब माँ लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी के आते ही देवता और राक्षस सब खड़े हो गए पंक्ति में कि लक्ष्मी हमारे पास आए, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी हमें मिले। सब खड़े हैं हाथ जोड़ के। लक्ष्मी मैया ने सबको त्यागा और एक स्थान पर चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण खड़े थे। आते ही लक्ष्मी ने नारायण के गले में माला पहना दी और नारायण का वरण कर लिया। आते ही नारायण का वरण किया है, इसलिए तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। आठवें सातवें रत्न के रूप में लक्ष्मी, आते ही नारायण को वर लिया। आठवें रत्न के रूप में वारुणी देवी, मतलब मदिरा निकली। और जब मदिरा निकली तो राक्षस तो राक्षस कहते हैं कि बताओ ये देवता तो पागल हैं जो अमृत निकलने के बाद भी अमृत की तलाश में लगे हुए। और राक्षसों ने शराब को ही अमृत मान करके पी लिया और नशे में हो गए
चूर। आठवें रत्न के रूप में वारुणी मतलब मदिरा जिसे राक्षसों ने लिया। नौवें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि समुद्र मंथन से 11 रत्न निकले, कुछ ग्रंथ कहते हैं 14 रत्न निकले, लेकिन श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि समुद्र मंथन करने पर 9 रत्न निकले। 9वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए हैं। धन्वंतरी भगवान के आते ही उनके हाथों से भी अमृत कलश को राक्षसों ने छीन लिया। जब अमृत कलश राक्षसों ने छीना तो एक बार फिर देवता और राक्षस झगड़ने लगे, हम पिएंगे हम पिएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा जब इतना काम बनाया है तो आगे का भी बनाऊंगा मैं। और भगवान श्री हरि नारायण ने, भगवान श्री हरि नारायण ने यहाँ पर मोहिनी अवतार धारण किया है। वेद व्यास जी लिखते हैं, नव यौवन निर्वृत स्तन भार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। मोहिनी अवतार मतलब लगभग एक 16 से 18 वर्ष की देवी के रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं। देखने में जो बहुत सुंदर है, जिसके बाल कमर तक लंबे लंबे हैं, जिसकी साड़ी का पल्ला पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है, जो कानों में मणि जड़ित कुंडल पहने हैं और कानों के कुंडल उसके कपोलों मतलब गालों को स्पर्श कर रहे हैं, जिसकी नासिका सुंदर है, जिसके अधर बिंबा फल की तरह लाल हैं, जिसके नेत्र कमल की पंखुरी की तरह कटीले और नेत्रों में भी लाल लाल डोरियां हैं, कटीले सुंदर चंचल नेत्र, जो देखने में बड़ी सुकुमार सी कोमल सी समझ में आती है, जो बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, बहुत सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए और देखने में परम सुंदरी, नाम ही है मोहिनी, मोह लेने वाली देवी के रूप में प्रभु प्रकट हुए। अब जब मोहिनी बनकर के आए, देवता तो जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन राक्षसों ने पहली बार इतनी सुंदरता देखी तो राक्षस तो बस मोहित हो गए और दौड़े दौड़े पहुंचे, हे देवी जी ये अमृत ले लीजिए और निष्पक्ष भाव से हमें अमृत पिलाने की कृपा कीजिए। मोहिनी देवी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, शर्त ये कि मैं उचित अनुचित सही गलत तुमसे जो करने के लिए कहूं यदि तुम कर सकते हो तो मैं अमृत पिलाऊंगी, नहीं तो मैं चली, मुझे बहुत से काम है। सबने एक स्वर में कहा हाँ हाँ आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। तो मोहिनी देवी ने कहा ठीक है सबसे पहले एक दिन का व्रत करो, फिर दूसरे दिन स्नान करो, सुंदर वस्त्र पहनो, फिर पंक्तिबद्ध रूप में बैठो। ऐसे ही किया, स्नान किया, वस्त्र पहने, एक पंक्ति में देवता दूसरी पंक्ति में राक्षस विराज गए। मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के सबसे पहले राक्षसों के पास ही पहुंची, लेकिन राक्षसों से बोली कि ये जो ऊपर का अमृत है ये पानी है, नीचे जो अमृत है वो शुद्ध अमृत है, इसलिए ये पानी देवताओं को पिला देने दो, हम तुम्हें शुद्ध अमृत पिलाएंगे। अब राक्षस तो राक्षस मंदबुद्धि, एक बार ये भी नहीं कहा कि चलो ठीक है ऊपर पानी है नीचे गाढ़ा गाढ़ा है तो अच्छे से मिला लो एक बार। कई पदार्थ ऐसे होते हैं ऊपर पानी होता है नीचे गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है तो अच्छे से मिक्स कर लो और फिर बांटो, तो नहीं, राक्षस तो हाँ हाँ सब में हाँ हाँ कह रहे हैं, फिर ये भी नहीं सोच पाए कि एक घड़े में दो प्रकार का पानी कैसे हो सकता है, बस हाँ में हाँ हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। और यहाँ मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के पहुंची, देवताओं के पास अमृत पिलाना प्रारंभ किया। राहु नाम का राक्षस जिसे अमृत पीने की जल्दी पड़ी थी वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया और उसने अमृत भी पी लिया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठा, अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा जब थोड़े देर के बाद समझ गए कि ये तो राहु है राक्षस, तुरंत भगवान से बताया, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा, गला काट दिया,
लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि शरीर में अमृत का संसर्ग हो चुका था। उसके दो भाग हो गए, सिर अलग और धड़ अलग। ब्रह्मा जी ने उन दोनों भागों को नवग्रहों में स्थापित कर दिया, जिसे हम कहते हैं राहु और केतु। और आज भी ये मान्यता है कि ये राहु और केतु जिसकी कुंडली में आके बैठ जाए तो फिर तो पता नहीं क्या क्या कराते हैं। और आज ये धार्मिक मान्यता है कि ये राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला आज तक लेते आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य चंद्रमा को ये कष्ट देता है राहु। तो राहु नाम का दैत्य अमृत पिया, भगवान ने सिर काटा, दो भाग हुए, सर अलग धड़ अलग, ब्रह्मा जी ने नवक ग्रहों में स्थापित कर दिया। देवताओं ने अमृत पिया, अमृत मंथन समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम प्रारंभ होता है। देखिए समुद्र मंथन की जो कथा है, ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली बार सुनी है, कई कई बार सुनी होगी, टीवी में देखी भी होगी समुद्र मंथन की कथा। एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि भगवान ने समुद्र मंथन कराया, समुद्र मंथन हुआ, नौ रत्न निकले, इन इन लोगों को दिए गए, नौवें रत्न के रूप में अमृत निकला, भगवान ने मोहिनी बनकर के देवताओं को पिलाया, समुद्र मंथन पूरा। समुद्र मंथन का सार क्या है? देखिए समुद्र मंथन का मतलब है जीवन का मंथन करना, व्यक्ति को अपने जीवन का मंथन करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन का मंथन करता है तो जैसे समुद्र मंथन करने पर पहले जहर निकला, जब व्यक्ति जीवन का मंथन करता है तो पहले जीवन से भी जहर निकलता है। जहर मतलब जब हम जीवन का मंथन करेंगे तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी, पहले प्रयत्न करने पड़ेंगे, पहले कोशिशें करनी पड़ेगी, फिर धक्का मुक्की भी खानी पड़ेगी, फिर गालियां भी हो सकता है मिल जाए, भली बुरी बातें सुननी पड़ेंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, उल्टा सीधा बोला जाएगा। जब व्यक्ति जीवन का मंथन करता है तो पहले जीवन से भी विष निकलता है, लेकिन जब वह मंथन बढ़ता जाएगा तो जैसे समुद्र मंथन करने पर दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गौ निकली, जब जीवन का मंथन बढ़ेगा तो जीवन से कामधेनु निकलेगी। कामधेनु का अर्थ यहां पर गाय नहीं है, जीवन से कामधेनु मतलब काम मतलब इच्छा, धेनु मतलब बुद्धि, अपनी इच्छानुकूल बुद्धि की प्राप्ति होगी जब हम अपने जीवन का मंथन करेंगे तब। तीसरा रत्न उच्चई श्रवा घोड़ा, जब जीवन का मंथन बढ़ेगा तो उच्चई श्रवा जैसे कई घोड़े आएंगे, मतलब वाहन साधनों की पूर्ति होती जाएगी, अप्सराएं आएंगी, घर गृहस्थी का सुख मिलेगा, कल्प वृक्ष आएगा, मतलब जो चाहे वो मिलता जाएगा जब मेहनत रंग लाएगी तो। कौस्तुभ जैसी मणियां निकलेंगी, मां लक्ष्मी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लेकिन जब जीवन का मंथन व्यक्ति करेगा सब मिलेगा सब मिलेगा सब मिलेगा, लेकिन जब व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला होता है, मतलब नौमा रत्न अमृत तक पहुंचने वाला होता है, तो बीच में आठवें रत्न के रूप में एक बाधा आती है। आठवें रत्न के रूप में बाधा आई ना, आई या नहीं आई? क्या निकला आठवां रत्न? मदिरा निकली, राक्षसों ने पी लिया, शराब पी ली, तो अमृत को पाते हुए भी पा नहीं पाए, और देवताओं ने संयम के द्वारा खुद को रोक लिया और नौवां रत्न अमृत प्राप्त कर लिया। वैसे ही जब व्यक्ति जीवन का मंथन करता है और जब हम अपने लक्ष्य को पाने वाले होते हैं तो बीच में एक बाधा आ जाती है, और उस बाधा के चक्कर में जो पड़ जाता है वो अमृत को पाते पाते भी नहीं पा पाता, और जो उस बाधा से निकल जाता है, जो उस बाधा से निकल जाता है वो अंत में देवताओं की तरह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसने अपने जीवन का मंथन किया है उसका जीवन पुष्प की भांति खिल गया और उस पुष्प की सुगंध चारों तरफ बिखर गई। तो समुद्र मंथन तो एक कथा है ही भागवत में, लेकिन समुद्र मंथन से तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को अपने जीवन का मंथन करना चाहिए।
जब जीवन का मंथन हम करते हैं तो हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, जो हमारी चाह होती है। जब जीवन का मंथन होगा तो वो सब मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। समुद्र मंथन की कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं।